गुलगंज थाना क्षेत्र के ग्राम टिपरिया में रात को घर में सो रहे एक युवक को जहरीले सांप ने काट लिया। परिजन उसे अस्पताल लाए लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के साले राम बगस ने बताया कि भगवा थाना क्षेत्र के ग्राम फुटवारी का रहने वाला उसका जीजा मोतीलाल पुत्र प्यारेलाल राजपूत उम्र 40 वर्ष ग्राम टिपरिया में उसके घर पर रहते हुए खेती किसानी का काम करता था। बीती रात एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मोतीलाल घर में सो गया था, तभी जहरीले सर्प ने उसे डस लिया। घटना के बाद परिजन आनंद फानंद में उसे जिला अस्पताल लाए लेकिन तब तक जहर शरीर में फैल चुका था। चिकित्सकों के तमाम प्रयासों के बाद भी मोतीलाल की जान चली गई। मंगलवार को जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम किए जाने के बाद मोतीलाल का शव परिजनों को सौंप दिया गया। तो कुछ नहीं, जब सुबह उठाए तो चले जाए थे कहाँ? अस्पताल में। इतना स्टेशन लग पाओ है, खत्म हो गए। पेपरिया कहाँ? गुलगंज थाना क्षेत्र में थे? इतने रिश्तेदारी में आए थे का? हम देने गए हम साले तुम्हारे लोग आए थे और खेती गए थे, फिर 4 साल में लगते। अच्छा, तो पंधा में डूबे सुझे आप आंदोलन की जगह चली गई थी। सुबह तो भगे आते फुटवाई मकान और मकान तो खाते ना बेटे, इतना नहीं सुखी इतने हमें दबाव का आते सुबह खेती गए थे। अब रात के भी 12 बजे रवान बैठी थी, सुबह 12 बजे भगी आते से 12 बजे भगी उतरे 20 मिनट वहाँ पे तत्काल मिलने के बोले साफ ने काट कर